जोनल अस्पताल धर्मशाला में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के प्रमाण के लिए आई 3 सदस्यीय टीम ने पहले दिन अस्पताल परिसर का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल स्टाफ के साथ भी बैठक की गई। वहीं अंतिम दिन टीम निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। अगर अस्पताल धर्मशाला को 70% से अधिक अंक मिलते हैं और नेशनल सर्टिफिकेट मिलती है तो अगले 3 सालों तक केंद्र की ओर से अस्पताल को हर साल 3 लाख की मदद मिलेगी। इससे अस्पताल के साथ साथ मरीजों को भी लाभ मिलेगा। इस सरकार और जो अस्पताल प्रशासन है उसके माध्यम से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली सुविधाएं उच्च गुणवत्ता वाली हों। और वो प्रयासों के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि उन गुणवत्ता मानकों का मूल्यांकन भी लगातार किया जाता है। क्षेत्रीय चिकित्सालय ने जो राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, सितंबर माह में जो उसकी स्टेट सर्टिफिकेशन हमने स्टेट टीम द्वारा कराई थी और सब्सिक्वेंटली उसके बाद राज्य सरकार द्वारा प्रपोजल राष्ट्रीय स्तर की एक्रेडिशन के लिए भारत सरकार को और नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर जो कि नोडल एजेंसी है स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, वो एक प्रपोजल भेजा था। और पिछले कल से 8, 9 और 10 दिसंबर को एक 3 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम हमारे इन नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के मानकों का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में आई हुई है। जो हमारी स्टेट सर्टिफिकेशन थी उसमें हमारा जो स्कोर था 100 में से 87% रहा था और लेबर रूम क्वालिटी एश्योरेंस में 89% स्कोर रहा था। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर भी राष्ट्रीय स्तर के मानकों में भी हम इनके अनुरूप खरा उतरने का प्रयास करेंगे और लगातार ये एक सतत प्रक्रिया जारी रहेगी कि हम अपने संसाधनों में चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हैं या प्रोसेसेस जो प्रक्रियाएं हैं अस्पताल में इलाज के दौरान की उनमें लगातार सुधार सुनिश्चित करें। ये जो 3 सदस्यीय टीम है इसमें एक कश्मीर से प्राइवेट ऑब्जर्वर हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद दाग, एक प्राइवेट ऑब्जर्वर सर गंगाराम हॉस्पिटल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर कर्नल ज्योति कोतवाल, और एक सरकारी क्षेत्र से मध्य प्रदेश सरकार के जो सिविल सर्जन सीएमओ एक जिला के डॉक्टर सुधीर कुमार देहरिया, ये 3 सदस्यीय टीम इसमें शामिल है। अस्पताल के 16 डिफरेंट विभागों का मूल्यांकन किया जाना है और ये तीनों ऑब्जर्वर पिछले कल भी और आज भी अलग अलग विभागों में अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार बहुत एक गहन वहां पर एक प्रक्रिया अपनाते हुए मूल्यांकन हमारा कर रहे हैं कि एक लाभ तो ये है कि हम देश के उन गिने चुने अस्पतालों में शामिल होंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर एक्रेडिशन है जिनकी, तो अस्पताल की विश्वसनीयता पर एक अच्छा चिन्ह लगता है। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय निरीक्षण के दौरान 16 सेक्शन जैसे सेवा प्रदायगी, मरीज संतुष्टि, क्लिनिक सर्विसेज, संक्रमण नियंत्रण, सहयोगी सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध व आउटपुट स्वच्छता जैसे मानकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगी। 3 सदस्यीय टीम में कश्मीर से डॉक्टर मुश्ताक अहमद, गंगाराम अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर ज्योति और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सुधीर डहरिया शामिल हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।